गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का सब्जेक्ट स्टडी करेंगे और उसमें हमारा जो चैप्टर है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती हैं, जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स क्या होती हैं। जैसे कि हमारी स्किन में पैचेस बनने होते हैं, जैसे कि दानेदार एक रेडिश टाइप स्किन हो जाती है, ठीक है। हम इसको एक हैनिसन डिजीज़ भी बोलते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज नॉन एज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को और कैसा नाम से जाना जाता है, उसको हम हैनिसन डिजीज़ से भी बोला जाता है। और जो ये डिज़ीज़ है हमारी, जो लेप्रोसी है, इसमें जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का वायरस पाया जाता है, जैसे कि जिसे हम वह ये डिज़ीज़ कॉज करती है। हम इसको रीड करते हैं, लेप्रोसी इन स्लो एनाडेमिक डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नोन एज हैनसन डिजीज़। The development of an infection takes many years to become visible and treatment has been found to be equally slow. It affects the skin and nerve system and causes a gross disease of the tissue, and anti-leprotic drugs are used in treatment of leprosy. ठीक है स्टूडेंट्स, जो इसके साइंस होते हैं यहाँ पे हमने पहले बता दिया आपको, जो ये उसके जो रेडिश होता है और येलो और पेल कलर के झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उसमें एक ग्रैनुलर जैसा पस जैसा टाइप से होता है, ठीक है। और ये डिजीज़ एक साइनो को अफेक्ट करती है, साइनो को अगर ये अफेक्ट करेगी तो न्यूरोजेनिक्स को, मतलब जो हमारी ब्रेन को है उनको डिजीज़ को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे इसके हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स हैं उनको हम दो केमिकल कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, सल्फोन फॉर एग्जांपल डैप्सोन, सोला स्पोन एंड थायो जो सल्फोन, ठीक है। और नॉन सल्फोन्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल है क्लोफिजामाइन एंड थाया में बिटोसोन, ठीक है। एंड सल्फोन्स में क्या है, दीज आर सिंथेटिक एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स एजेंट which find use as a leprostatic and treatment is to given for many months or years, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम जो डैप्सोन है जो इसके ट्रीटमेंट में जो सल्फोन्स में कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये उनको ठीक करने के लिए यूज़ होता है, जो कुछ मंथ्स के लिए और कुछ ईयर्स के लिए जो डिजीज़ होती है सल्फोन्स वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने फार्माकेमिस्ट्री में क्या करना है, फार्माकेमिस्ट्री में हमने इसका स्ट्रक्चर को, केमिकल स्ट्रक्चर को देखना है, इसमें डैप्सोन की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, IUPAC नेम, प्रॉपर्टीज़, इसके सॉलिबिलिटीज़, ठीक है, इसकी प्रेपरेशन और जो इसके नेम्स दिए गए हैं हम इनको रीड करना है। ये बिल्कुल ही डी फार्मेसी का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा बहुत ही आसान है, इसमें हमने यही करना है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर दी गई है डैप्सोन की, H2O प्लस H2O NH2, ठीक है, ये हमने जो स्ट्रक्चर दी गई है ये आप लोगों ने इसको स्टडी करना है और लिख के याद करना है। इसका IUPAC नेम दिया गया है बिस फोर अमाइनो फिनोल सल्फोन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मतलब ये कैसा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया है, इट अकरस वाइट और क्रीमी वाइट, ठीक है, ये एक वाइट कलर का फॉर्म होता है, जैसे क्रीम होती है, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म होता है, इट्स टेस्ट होता है जो बिटर होता है स्लाइटली एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो ये हमारा दिया गया है डैप्सोन, ये स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर, इट्स सॉल्युबल इन डिल्यूट मिनरल एसिड्स, इट गेट्स डिसकलर्ड ऑन एक्सपोजर टू लाइट। एंड इसकी जो स्टोरेज दी गई है डैप्सोन की, ये हम स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, ठीक है। और इसके यूजेस क्या हैं, ये आपको पता ही है, हम लेप्रोसी के बारे में पढ़ रहे हैं, इट्स डैप्सोन इज़ यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑल काइंड्स ऑफ लेप्रोसी, इट्स अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट,
इट्स गिवन ऑरली एंड इट इंट्रामस्कुलर। हम इसको मतलब जो दवा है इसको इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, IM इंट्रामस्कुलर ही बोलते हैं उनको, और ऑरली दवा मुंह से भी ले सकते हैं। इन एडिशन इट्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डर्माइटिस एंड हर्पिटिफॉर्मिस एंड अदर डर्माटोसिस। ठीक है, ये हमारी डर्मा की जो स्किन की डिजीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे कोई भी बीमारी है लेप्रोसी टाइप, हमने तो आपको साइन एंड सिम्टम बताए हैं, उसमें ये काम करता है। इट्स आल्सो यूज्ड एज पिरिमिथाइन इन मलेरिया प्रोफाइलेक्सिस। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे डेप्सोन का, BPIP में यूज़ होता है, टैबलेट्स फॉर्म में भी, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड IP में यूज़ होता है। प्रॉपर्टी नेम क्या है, आइवलो सल्फोन। आगे दिया गया है सोलासपोन क्या है, इट्स अकर एज अ, इसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। इट्स अकर्स एज वाइट एंड ऑर्डरलेस अमॉर्फस पाउडर हैविंग अल्कलाइन टेस्ट। इट्स वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, इट इज स्टेबल इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशंस। स्टोरेज दिए गए हैं, स्टोर इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। इट इज़ गिवन बाय माउथ इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, बट इन मोर कॉमनली गिवन बाय द सबक्यूटेनस और इंट्रामस्कुलर यूजेस। ठीक है, हम इसको जो सबक्यूटेनस हमारी जो डर्मस की होती है ना, स्किन की लेयर होती है, वहाँ हम सबक्यूटेनसली इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे आर्म के ऊपर होता है, हमारे जो हमारा पेट होता है, पेट की जो तुन्नी होती है जहाँ हम उसको बोलते हैं, उसको चार उंगली हटा के हम यहीं भी इसको लगा सकते हैं और IM भी देख सकते हैं। एंड प्रेपरेशन हुई सोलासपोन BP फॉर्म, टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है। नॉन सल्फोनोन्स क्या है, इट इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स एंड इसमें एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी हम, जैसे हम आजकल तो चल रहा है एमोक्सिसिलिन, ठीक है, सल्फाडाक्सिन, रिफेम्पिसिन एंड डाइज दिया गया, क्लोफेनाज़ीन, थायोयूरिन, थायबुटासोन। आगे हमारा फिनाजाइन डाइज, क्लोफिजामाइन प्रॉपर्टीज, इट अकर्स अ रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म। ये हमारा एक फाइन और रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में है। ठीक है स्टूडेंट, इट्स एन ऑर्डरलेस एंड इट्स अ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टोरेज है इसकी, स्टोर हम करेंगे इसको एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। यूजेस दिए गए एंटी लेप्रोटिक एजेंट विद एडवांटेज दैट इट इज़ आल्सो हैविंग एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। प्रेपरेशन क्या है, क्लोफिजामाइन BP में और IP में, कैप्सूल फॉर्म्स में भी आता है, ठीक है, और इंजेक्शन में भी लगा आता है, वो ये हमारा यूज़ होता है। ब्रांड नेम आता है क्लोफाज एंड हैंसपिरन, मार्केट में ये इस नाम के ब्रांड अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टॉक केमिस्ट शॉप पे। थायो यूरेज, थायो ब्यूटासोन, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये भी हमारा एक वाइट और क्रीमी क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इट्स ए ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट एंड इस स्टोरेज सेम ही रहेगी एंड इट्स स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट। एंड यूजेस दिए गए, इट्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, इट इज़ गिवन एज ए टैबलेट एंड बट आल्सो गिवन बाय द डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देखो आपने जो हमारा ये यूजेस, तो हमने पता है लेप्रोसी के लिए यूज़ करें, टैबलेट हम मॉरली ले लेते हैं, ठीक है, वो बात ख़त्म हो गई। एंड जो ये हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, हम इसको डीपली इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, थायो यूरेज को। ये हमारा थायोबुटासीन टैबलेट्स आती हैं और थायोबुटासीन ही इंजेक्शन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इनका ड्रग्स का स्क्रीनशॉट्स ले लो।
आगे है हमारा एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स। आपने टीबी का नाम तो सुना ही होगा ना, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म में हम आजकल बोल देते हैं एंटी ट्यूबरकुलर डिजीज। जो ये इन्फेक्शन होती है, जो माइकोबैक्टीरिया नाम का ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक वायरस है जो हमें ये बीमारी कॉज करता है, ठीक है। ये एम्बोविस में भी होता है, ये हम इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडीज एंड ट्यूबरस इट्स एबल टू इन्फेक्ट इन टिश्यू ऑर्गन इन द बॉडी, ठीक है। अब इसको हम रीड करते हैं, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और रेयरली बाय द एम्बोविस, ठीक है स्टूडेंट्स। वही बात आ गई, द डिजीज इज करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ नोडुलर बॉडीज और ट्यूबर क्यूल्स। इट इज एबल टू इन्फेक्ट ऑलमोस्ट एनी टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हाउएवर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इज द लंग्स, ठीक है। द ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफाइल हेक्सिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर कॉल्ड एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी एक लंग्स की वो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है जो लंग्स में चली जाती है, जिससे हमें सांस लेने में या हमें खांसी आती रहती है। आपको पता ही है जो ट्यूबरकुलोसिस नाम की डिजीज़ होती हैं, ठीक है। ये इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ये ब्रॉड कैटेगरीज में होती है, कि सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं एंड एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। द टू ब्रॉड कैटेगरी ड्रग्स आर ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स एंटीबायोटिक्स में क्या आता है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, आइसोनाजाइड, एथम्बोटाइल हाइड्रोक्लोराइड, पायराजिनामाइड्स एंड थायासीटाजोन एथोनामाइड, ओके। ये हमारी सिंथेटिक ड्रग्स दी गई हैं, आप लोग इसको प्रॉपरली रीड कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर दी गई है बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड सी ओ डबल एच ओ हाइड्रोक्सी ग्रुप ना लगा हुआ है, एन एच ओ टू दिया गया है, ठीक है। यानी कि 4-amino-2-hydroxybenzoic acid, इसका आई यू पी एस नेम दिया गया है नाम। एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट अकर एज वाइट टू क्रीम कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म, ठीक है। ये भी हमारा जो क्रीम फॉर्म में होता है, यानी कि क्रीम टाइप होता है, वाइट कलर फॉर्म में। एंड इट्स अ टेस्ट इन सलाइल इन बिटर विद स्वीट आफ्टर आ टेस्ट, ठीक है। मतलब जो इसका टेस्ट है, थोड़ा सा नमकी होता है और जो थोड़ा सा बिटर एंड स्वीट हो जाता है आफ्टर टेस्ट, जब हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। कैल्शियम माइनोसैलिसिलेट, सोडियम माइनोसैलिसिलेट साल्ट्स आर ऑफिशियली, दे आर अ हाइग्रोस्कोपिक एंड फ्रीली सोलेबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन आर अनस्टेबल एंड डार्कन इन कलर, बोथ दी साल्ट्स हैव बीन इनकम्पैटिबल विद एसिड फेरिक साल्ट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। स्टोरेज क्या है, द साल्ट्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट। एंड यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनाइज्ड और स्टेप्टोमाइसिन बोथ इन ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा जो स्टेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक आता है, वो हमारा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होता है। एंड कैल्शियम माइनोसैलिसिलेट कैन बी यूज पेशेंट बाय रिस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेपरेशंस क्या है, कैल्शियम माइनोसैलिसिलेट बनाते हैं हम, कैल्शियम माइनोसैलिसिलेट टैबलेट्स फॉर्म्स में भी आता है और सोडियम अमाइनोसैलिसिलेट्स आता है, सोडियम अमाइनोसैलिसिलेट टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है। ब्रांड नेम आता है पेमिसेल, पारासेल, ठीक है। आगे हमारा दिया गया है आइसोनाजाइड, ये स्ट्रक्चर आप लोग इसको बना लेना, सी ओ एन एच एंड एन एच टू, आइसोनिकोटाइल हाइड्रोसाइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, आइसोनाइड अकर एज अ कलरलेस और क्रिस्टलाइन वाइट आलमोस्ट वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म, इट इज़ स्लाइटली स्वीट एट फर्स्ट देन बेटर, इट इज़ सॉलेबल इन वाटर, इट्स सॉल्यूशन आर स्टरलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन और ऑटोक्लेविंग, इट इज़ द इनकम्पेटेबल विद द शुगर एल्डिहाइड कीटोन एंड फेरिक साल्ट
एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोरेज वही रहेगी, वेल टाइट क्लोज कंटेनर एंड लाइट रेजिस्टेंस फॉर्म। आइसोनाइज इज यूज प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबुलर क्रॉसिस इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। द ड्रग इज नेवर यूज अलोन बिकॉज ऑफ रैपिड एमरजेंस एंड सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जप्स ऑफ वल्गरिस। ठीक है, एंड प्रेपरेशन दी गई है आइसोनाइज्ड इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट्स फॉर्म में भी ये आता है, जो हम ऑरली और बाय इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। ब्रांड नेम आता है इनसोनेक्स एंड आइसोकिन इथंबुटाइल हाइड्रोक्लोराइड। इसमें बोटाइल में देगा है CH3CH2 एंड कार्बन हाइड्रोजन CH2OH, कार्बन हाइड्रोक्साइड NH CH2 CH2 NHO, कार्बन की एक चेन लॉन्ग चेन के साथ CH2OH एंड CH2CH3 2HCl, यानी कि RR की के नंबर होता है NN1 हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपाइल एंड एथाइल एनकेडोमाइन डाईहाइड्रो क्लोराइड। ठीक है, इथंबुटाइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाइट कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में एंड इट्स अ बिटर इन टेस्ट। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड डेक्स्ट्रो आइसोमर इन 200 टाइम्स मोर एक्टिव देन लियो आइसोमर। इट इज़ स्टेबल इन लाइट। इसको हम स्टोर करेंगे इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड यूजेस दिए गए। इट इज़ गिवन बाई द माउथ और इंजेक्शन अलॉन्ग विद आइसोनाइज एंड रिफिपामाइज इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। प्रेपरेशन दिए गया इथंबुटाइल की, इसलिए टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है। ब्रांड नेम है टिबाटोल एंड माइमा बोटोल। ठीक है, आप लोग ब्रांड नेम याद कर लो, आपके जो फार्मासिस्ट बन जाओगे ना, तो केमिस्ट की शॉप्स वगैरह भी कुछ शॉप खोलेंगे तो उसमें हम ये ब्रांड नेम ही काम आते हैं। ठीक है, और साल्ट नेम भी पिराजिनामाइड दिया, पिराजिन 2-कार्बोक्सामाइड एंड इट अकर्स वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म। इट्स टेस्ट इज स्लाइटली बिटर। इट्स प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टोरेज वही होती है क्लोज कंटेनर, एयर टाइट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एंड यूजेस दिया गया टैबलेट्स आर एजेंट आइसोनाइज एंड स्टेप्टोमाइसिन इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इट्स इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरेटिस एंड दस इफ शुड बी यूज्ड विद केयर इन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ गाउट। एंड ब्रांड नेम इसका आता है जिनामाइड एलिनामाइड्स। टैबलेट्स फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में। सिटाजोन स्ट्रक्चर दी गई है, आप लोगों ने इसको रीड करना है। पैरा एसिटोमेनो बेंजाइल एल्डिहाइड थायो सेमी कार्बामेजोन। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोरेज प्रॉपर्टीज पेल येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है एंड इट्स ऑर्डरलेस एंड बिटर टेस्ट। इट्स वेरी स्लाइटली सोलेबल इन वाटर फॉर्म। स्टोरेज हम इसको एयर टाइट कंटेनर में करेंगे जहाँ पे ये रेजिस्टेंट ना हो सके। यूजेस, इट्स यूज इन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अलोंग विद अदर ऑफ एंटी ट्यूबर कलर ड्रग्स। प्रॉपर्टीज थायो एसिटाजोन एंड आइसोनाजाइड। टैबलेट्स फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम आता है एमिथाजोन। आगे हमारा है एथमिनोमाइड्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर दी गई है ये आप लोगों ने याद करना है इसका। ठीक है,
एंड इसका जो IUPAC नेम है वो भी आप लोगों ने इसको याद करना है। जो फार्मा केमिस्ट्री है ना, इसमें हमने यही कुछ करना होता है, इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कोई हुआ नहीं है, अभी हम याद नहीं कर सकते। स्टोरेज क्या है, कीप क्लोज एयर लाइट रेजिस्टेंट वन कूल प्लेस, ठीक है, इसमें हम दिए जाते हैं। ये आप लोगों ने इसको यहाँ तक ड्रग्स को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, और तब तक आप इसको याद करो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता देन आस्क टू मी। एंड गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।